आज के इस वीडियो में हम लोग क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न को हल करना सीखेंगे। प्रश्न दिया गया है, वर्ग का क्षेत्रफल हम परिमाप निकाल जिसकी भुजा निम्नांकित है, यानी भुजा को जो है आर्म से इंडिकेट करते हैं, यानी ए से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप निकाले जिसकी भुजा निम्नांकित है। इसमें से अगर एक को दो क्वेश्चन का सोल्व कर लेंगे तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है आप लोग क्या कर सकते हैं, आराम से सोल्व कर सकते हैं। ध्यान देंगे वर्ग का क्षेत्रफल बोला है परिमाप निकाल रहे हैं, हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। देखिए यहाँ प्रश्न दिया गया है जो वर्ग का क्षेत्रफल, दूसरा क्वेश्चन है, पिछले वाले वीडियो में पार्ट वन करके हम जो है पहला क्वेश्चन बना दिए हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है जो वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करें, तो वर्ग सबसे पहले जान लेते हैं वर्ग किसे कहते हैं। देखिए वैसा चतुर्भुज होता है वर्ग, इसका प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है और प्रत्येक भुजा आपस में क्या होता है बराबर होता है। अगर परिभाषा पूछे वर्ग किसे कहते हैं तो बोलेंगे वैसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक भुजा बराबर और प्रत्येक कोण क्या हो 90 डिग्री का हो, उसे क्या कहते हैं वर्ग कहते हैं। ठीक, परिभाषा हो गई। अब यहाँ पर बोलता है वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के, जिसमें भुजा क्या दिया है 12 मीटर। तो पहला क्वेश्चन को कंसल्ट करते हैं, तो जिस प्रकार हम पहला बनाएंगे उसी प्रकार जो सब क्वेश्चन क्या हो जाएगा सोल्व हो जाएगा। तो अभी हम पहला क्वेश्चन बनाकर दिखा रहे हैं और प्रैक्टिस में आप लोग क्या करेंगे बारी बारी से सब क्वेश्चन को अपने जो है प्रैक्टिस करेंगे कॉपी पर। ठीक, तो पहला क्वेश्चन कितना दिया 12 मीटर, यानी भुजा दिया कितना मीटर 12 मीटर, लिखेंगे ए बराबर, ए से लिख करते भुजा को, ए बराबर कितना हो गया 12 मीटर। ठीक, अब दिया गया है वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करें, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं सूत्र से, सूत्र याद होना चाहिए, सूत्र लिख देते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल मांग रहा है तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, फॉर्मूला होता है इसका ए स्क्वायर, यानी कि भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। यहाँ क्या करते हैं भुजा स्क्वायर कर दिए हैं, बराबर करेंगे इसका मान कितना है 12 मीटर, यहाँ लिखेंगे 12 मीटर स्क्वायर दिया गया है, क्या करेंगे यहाँ पर स्क्वायर, इसका मतलब कितना होता है यानी कि दो बार गुना करना, 12 को कितने बार गुना करना दो बार गुना करना, तो 12 को दो बार गुना करेंगे तो लिख सकते हैं 12 मीटर × 12 मीटर। ठीक, अब गुना कर कितना हो जाएगा 144 mm को गुना करेंगे तो मीटर स्क्वायर, या ऐसे हिंदी में लिखा जाएगा वर्ग मीटर, इसको हम मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं या वर्ग मीटर भी बोल सकते हैं, यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, ये तो होगी आपका क्षेत्रफल। अब क्या बोला है परिमाप निकालने के लिए, लिखेंगे यहाँ पर फिर वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 × भुजा, लिखेंगे 4a, 4 चौकतियों है, a का मान कितना है 12 मीटर, यहाँ क्या लिखेंगे लिखेंगे 12 मीटर, गुना करेंगे तो कितना 12 × 48 मीटर, यही क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना सीखेंगे। और बाकी जो क्वेश्चन है एक दो क्वेश्चन कमेंट में जरूर बताइएगा इसका आंसर कितना होगा, बाकी को अपने कभी भी प्रैक्टिस जरूर करने का कष्ट करेंगे। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।